हे गाइज, अभी अभी जो आपने स्क्रीन पर ये वीडियो देखी है फ्रेंड्स, ये वीडियो इस डिजाइन की वीडियो और इस इफेक्ट की वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम पर वो ट्रेंडिंग इफेक्ट अपने इंस्टाग्राम की फेस वाली वीडियो पर ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने वहां पर देखा होगा वो रोबोट फेस वाला इफेक्ट इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। ठीक है गाइज, तो गाइज मैं यहाँ पर आपको एक बार और दिखा देता हूँ। देखिए तो फ्रेंड्स, ये इंस्टाग्राम पर कितना ज़्यादा वायरल इफेक्ट चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे होंगे इन वीडियो पर 50-50 मिलियन व्यूज आ गए हैं और काफ़ी सारी लाइक्स भी आ चुकी है। तो गाइज़, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम पर अपनी फेस वीडियो पर ये इफेक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम। ठीक है गाइज़, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको अपनी इस वीडियो को बनाने के लिए अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपकी इस वीडियो को देखकर आपकी वो रील्स क्रिएट हो जाए बिल्कुल सिंपल तरीके से, आपके फेस पर भी रोबोट फेस वाला इफेक्ट लग जाए, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है गाइस, तो अब यहां पर आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहां पर अपने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, तो यहां पर मेरे सामने ये इंटरफेस आ चुका है। ठीक है गाइस, तो गाइस अब यहां पर आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको अपने रील्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब रील्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहां पर मेरी रील्स अभी आने वाली है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार लगा दूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी रील्स आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको करना है, आपको यहाँ पर एक कॉर्नर में एक कैमरे वाला ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस, आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कैमरे वाला ऑप्शन, आपको यहाँ पर इस कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस, जैसे ही मैंने यहाँ पर कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करा, तो मेरे सामने यहाँ पर ये इफेक्ट आ चुका है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पर ये इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज, अब यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है रोबोट फेस। ठीक है गाइज, तो मैं यहाँ पर रोबोट फेस सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रोबोट फेस सर्च कर लिया, तो अब यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइज, आपको यहाँ पर फर्स्ट बार में ही यहाँ पर रोबोट फेस वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर इस फिल्टर पर क्लिक करना है। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको ये मैं एरो से आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर ये जो कैमरे वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन, आपको यहाँ पर इसे वाइड सेव कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ये पूरा इफेक्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैंने किस लिए पूछा है, आपको यहाँ पर मैंने इसलिए पूछा है यहाँ पर कि आप यहाँ से सिंपल तरीके से इस वीडियो का साउंड ले सकें और अपनी वीडियो पर ऐड कर चुके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साउंड पर ऐड कर लेता हूँ, और ऐड करने के बाद अब यहाँ पर मैं यूज़ ऑडियो कर देता हूँ। ठीक है गाइस, अब देखिए फ्रेंड्स मेरे सामने यहाँ पर ये इफेक्ट आ चुका है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अब इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो इफेक्ट आपने अभी सेव करा था, आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से इस इफेक्ट को ओपन कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मेरे फेस पर आपको यहाँ पर अपनी वीडियो को शूट कर लेना, तो आपको यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, अब यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी वीडियो को एडिट करके भी डाल देना। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको यहाँ पर अपनी वीडियो को शूट करना है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर आपने देख लिया मैंने यहाँ पर कितनी सिंपल तरीके से अपनी इस वीडियो को शूट कर लिया है, आपको अब यहाँ पर अपनी ऐसे ही अपनी वीडियो को शूट कर लेना है। तो गाइस, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट करके अपनी वीडियो को अपनी रील्स को अपलोड कर देना है। अगर फ्रेंड्स आपको ये रील्स अच्छी लगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इस वीडियो को देखकर आपकी रील्स कंप्लीटली क्रिएट हो गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।